सपनों को साकार कैसे करें। आपको क्या लगता है सपनों का मतलब क्या होता है? सपनों का मतलब ये होता है कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कभी मेहनत करी हो उसके लिए। आप क्या सोचते हैं, घर पे बैठे रहना, सपने देखना, आपके सपने पूरे हो जाएंगे? कभी नहीं। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके सपने सिर्फ आपके हैं, तो शायद आप गलत हैं। पूरे वर्ल्ड में वो सब कोई देखते हैं। आपके सपने और मेरे सपने बिल्कुल सेम। मैं क्या सपना देखती हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं वर्ल्ड टूर पे गई हूँ और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ब्रांडेड क्लोथ्स है मेरे पास। लेकिन आपके सपने में और मेरे सपने में डिफरेंस बिल्कुल नहीं। लेकिन वो सपने पूरे होंगे तब जब आपने मुझसे कुछ ज्यादा किया होगा या फिर मैंने आपसे कुछ ज्यादा किया होगा। दोनों एक ही लेवल पे हैं। सपने एक देखते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि दोनों के सपने पूरे हो, क्योंकि हम दोनों की मेहनत अलग अलग है। आपने मुझसे अगर ज्यादा किया हो तो सपने सब कोई देखते हैं, लेकिन पूरा बहुत कम लोगों का होता है। सपने खुली आंखों से देखी जाए या फिर बंद आंखों से देखी जाए, पूरा उसी को होना है जिसके ऊपर आपने मेहनत करी। अगर आप ये सोचते हैं बस सपने देखने से वो रियलिटी में बदल जाएगी, तो वो आप गलत सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सपनों को साकार कैसे करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मेरा नाम है श्वेता मिश्रा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, और सब्सक्राइब के पास एक छोटा सा घंटा होगा, उसे बजा कर ही वीडियो में प्रवेश करें। सपनों को साकार करने की। सपने वो होते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में घूमते रहते हैं, वो होते हैं जो हम रियलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं तो आप हार्डवर्क के लिए भी उतना ही प्रिपेयर है, क्योंकि विदाउट हार्डवर्क आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप सपनों में देख रहे हैं भैया मैं तो थानोस बन जाऊंगा, भैया मैं तो अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, तो ये एक रात में बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा। आपको हर दिन, हर रात, हर सेकंड, हर मिनट मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके सपने आपके लाइफ में क्या मैटर करते हैं। अगर आप सपने देखते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, तो मैं ये बिल्कुल बोलूंगी कि ये गलत नहीं है, तब तक जब तक आप उसको रियलिटी में बदलने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि उन लोग जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो सपने देखे ही होंगे। शायद उन्होंने मून का सोचा होगा और वो स्टार्स तक पहुंचे। तो आप भी बिल्कुल ऐसे करें, क्योंकि अगर सपनों को साकार करना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप बोलोगे कि आपके पास अच्छे सोर्सेज नहीं है, आप अच्छे कॉलेज में नहीं हो, आपके पास अच्छे बुक्स नहीं है, या फिर आप कोचिंग सेंटर नहीं जाते, तो शायद ये सब एक्सक्यूज है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने न्यूज में पढ़ा होगा, एक कचड़े कलेक्ट करने वाले का बेटा आज एक आईएएस ऑफिसर है, और एक कूली जो कि ओडिशा के रेलवे स्टेशन पे घूमता था, वो फ्री वाईफाई के जरिए उसने एसएससी क्लियर करी ओडिशा का। और फिर हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निरमा वॉशिंग पाउडर। अगर आप चाहें तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। निरमा के जो वॉशिंग पाउडर के ओनर थे, उन्होंने अपनी आधी लाइफ साइकिल पे पाउडर्स रख के गांव-गांव बेचे थे, और आज उनका निरमा हर जगह फेमस। आप केएफसी को तो अच्छे से जानते होंगे, कौन नहीं जानता केएफसी को, ऑब्वियसली बात है। केएफसी के मालिक ने अपनी पूरी लाइफ ट्राई किया, उन्होंने पूरी लाइफ ट्राई किया और हर बार वो फेल होते गए। लेकिन जब वो 60 इयर्स के हुए, तब उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और उसका नाम केएफसी दिया, जो कि आज वर्ल्ड वाइड फेमस है। हर जगह उसके चेन्स है, चाहे वो इंडिया हो चाहे कहीं भी हो। तो केएफसी इतना फेमस है क्यों? क्योंकि उनके मालिक ने हार नहीं मानी। आपको क्या लग रहा है कि पूरी लाइफ 60 इयर्स तक मेहनत करने के बावजूद उन्हें कुछ सुनना नहीं होगा, उन्हें सोसाइटी ने गालियां नहीं दी होंगी, या फिर उनका मजाक नहीं बनाया होगा? लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ड्रीम को बस ड्रीम नहीं, अपनी रियलिटी बनाई। तब जाके 60 के बाद वो आज इतने फेमस। आपको क्या लगता है, इससे बड़ी और कोई एग्जांपल्स होगी? आपको अब भी लगता है कि आपके पास सोर्सेस का
कम है। पहले ना लाइट थी ना अच्छे सोर्सेस थे, फिर भी न्यूटन, स्टीव जॉब्स और थॉमस अल्वा एडिशन इन लोगों ने अपने जो सोर्सेज की कमी थी इसको अपनी वीकनेस नहीं अपना स्ट्रेंथ बनाया। तब जाके आज उन्हें सब कोई जानता, आज वो लोग एक इंस्पिरेशन है। तो आपको क्या लगता है कि अब भी आपके पास सोर्सेज कम है? सक्सेसफुल वही लोग बनते हैं जो लोग मेहनत करते, थकने के बावजूद वो लोग आराम नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि एक बार हमारा ड्रीम्स रियलिटी में बदल जाए फिर तो आराम ही आराम है। और ये बिल्कुल सही बात है। जब तक आपका ड्रीम पूरा ना हो आप भी हर दिन उसको चेस करें, आप मेहनत करें कि आपका ड्रीम रियलिटी में बदले। और अगर आप ये बोलेंगे कि सोसाइटी आपका मजाक उड़ाती है, ये बोलती है कि ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये सारी चीजें हर उस इंसान ने सुनी है जो आज एक बहुत अच्छे पोजीशन पे है। और जिसके सपने बड़े होते हैं उनको सोसाइटी से नेगेटिव वाइब्स जरूर मिलती है। वो लोग हर दिन आपको यही बोलेंगे कि ये तुमसे नहीं होने वाला, ये बहुत मुश्किल है या फिर तो इसके लायक नहीं। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप उस चीज को रियलिटी में बदल के दिखाएं और उन लोगों को बताएं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लायक है और मैं इसके लिए ही बना। तब ही सोसाइटी चुप होगी, क्योंकि आप 10 बार बोलेंगे मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो चीज आप रियलिटी में नहीं बनती। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने ड्रीम को बस ड्रीम ना रहने दे, उसको रियलिटी में बदलने की पूरी मेहनत करें। वर्क हार्ड अंटिल यू गेट योर सक्सेस। तो बेटर होगा कि आज ही उठे और कोई चीज कल पे ना छोड़े, क्योंकि कल कभी नहीं आता, हर दिन बस आज आता है। तो बेटर है आज से स्टार्ट करें, ना कि कल पे हर चीज छोड़े। ये सपने ना बड़े चालाक होते हैं, ये भी हमारे स्कूल के मार्क्स जैसे होते हैं। मार्क्स हमें तब तक फुल नहीं आते जब तक हम पढ़ाई नहीं करते, वैसे ही ये सपने हमारे पूरे नहीं होते जब तक वो ये नहीं देखता कि हम उसके ऊपर कितना मेहनत करें। तो सपने को एक इंसान ही समझे, उसको चेस करे कि हाँ भैया मुझे तू चाहिए रियलिटी में, ना कि सिर्फ मैं सो रहा हूँ तब तू आए। मैं खुली आंखों से, मैं बंद आंखों से, मैं हर चीज में बस तुझे देखता हूँ और तेरे लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। तो जरूर आपके ये सपने एक दिन साकार जरूर होंगे, क्योंकि घर में बैठने या सोने से सपने देखने से अगर पूरे होते ना तो आज पूरी दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता। कोई इंसान आपके घर पे आके आपका बाथरूम नहीं धोता या फिर रस्ते से वो कचड़े नहीं उठा। सपने साकार उन्हीं के होते हैं जो उनको देखने की और उनको पूरा करने की हिम्मत रखते। सो हियर वी केम टू एन एंड ऑफ आवर डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड हिट द लाइक बटन। अगर आपको क्वेरी है या फिर ये प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके प्रॉब्लम जरूर शेयर करें। और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड चेंज दैट रेड बटन इनटू ग्रीन। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर सोशल मीडिया फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स टू। बाय बाय एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम लीव फ्रीली।